सब्सक्राइब ग्लोबल सेल। अब ये वकीलों की आवाज है, आप सुन लीजिए। इसीलिए इसको मैं कह रहा हूँ असलम 2.0। इनको जो मजा आ गया यही समझ लो मेरी कमाई है। पहले इनका ये सिग्नेचर आइटम इसी से शुरू करेंगे, इसके बारे में ज्यादा कहने या सुनने की जरूरत है नहीं, इसको सब अच्छी तरह जान। ये लेग पीस लेते हैं, मीट का अलग ही ऐसा होगा। फाइव स्टार होटलों में ज्यादातर चलता है, यहाँ पे हमारे होटलों में नहीं चलता। ये चिकन फ्राई है, बिल्कुल साफ होता है, वो पानी में छनता है, फिर मसाला लग। अच्छा, ये भी आपने पतीला बना के रखा है उसको। अरे रुको, आप सारी चीजें। अरे मैं इसलिए यहाँ पर ताकि कोई गलत व्यवहार ना करे। सतीश गुजर, आप मुझे से ही काम चला रहे हैं। बटर चिकन टिक्का जो है वो तो आपको खुद भी बनाना आता है ना? भाई मेरा खुद का है। सलमान खान की कॉपी मिल जाएगी, असलम बटर चिकन की कॉपी अल्लाह के हुक्म से पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, अल्लाह के हुक्म से। जैसे नमक के बगैर कोई भी डिश अधूरी रहती है, वैसे ही निकाह के बगैर जिंदगी अधूरी रहती है, दीन अधूरा रहता है, दुनिया अधूरी रहती है। आप एक अच्छा और समझदार पार्टनर ढूंढ सकते हैं nikahforever.com पर। nikahforever.com है इंडियाज लार्जेस्ट एंड नंबर वन मैट्रिमोनी ऐप, जहाँ 6 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं विद वेरीफाइड अकाउंट्स, 37,000 से ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज, मल्टीपल ऑप्शन और यूजर फ्रेंडली भी। अब रिश्ता ढूंढना बहुत ही आसान है। nikahforever.com पर जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए, तसल्ली कीजिए, निकाह कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पूरी कायनात में बहुत बड़ी सी हमारी अर्थ में बहुत बड़ा हमारा भारत। हमारे भारत में एक छोटा सा शहर दिल्ली, दिल्ली का जिगर पुरानी दिल्ली का दिल जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद का नगीना असलम चिकन। यही डेफिनेशन बनती है असलम चिकन की। उस नॉर्मल से असलम चिकन पर नहीं आया, जब कंसिस्टेंसी, काम करने का जुनून, अच्छा खिलाने का शौक लगातार आपके अंदर डेवलप होता रहता है तो बनता है असलम 2.0। असलम 2.0 क्यों कह रहा हूँ, उसकी कुछ वजूहत है। यहाँ पर माहौल नया है, जगह नई है, यहाँ रोशनियाँ नई हैं, कुशादगी है, यहाँ मेन्यू भी नया है, नई चीजें ऐड हुई हैं। इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ असलम 2.0। असलम 2.0 पर क्या क्या नया है, असलम भाई से ही पूछते हैं। चिकन एक नॉर्मल ग्रेवी की एक मेन कोर्स की आइटम होती है, लेकिन जब बटर चिकन के पहले असलम लग जाए, असलम बटर चिकन हो जाए, तो वो चीज ही बदल जाती है। अल्लाह का करम, फिर वो टिक्का बन जाता है, यहीं पर मिलता है और बहुत लोगों को क्या मिलता है, लेकिन जो जो शेर होता है वो शेर ही रहता है। ये हमारी जो है रेमेडी है। अच्छा ये एक बात बता दूं मैं कि आज इस जगह पर बैठे हुए, जब दो साल पहले जब हमने ये इनका पहला वीडियो किया था, उस वक्त ये जगह अंडर कंस्ट्रक्शन थी और असलम भाई ने मुझे पूरा विजिट कराया था, लेकिन उस वक्त जाहिर है कि ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, इस दौरान मैं नहीं आ सका। लोगों की ये ख्वाहिश रहती थी कि उस पुराने वाले आउटलेट की दीवारें खिसकवा दी जाएं, वो तो नहीं मुमकिन हो पाया, लेकिन ये उसी का एक नेमुल बदल है। दिखा दीजिए क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, चले दो मिनट का टाइम। असलम भाई को उठाना तो हमारा पुराना हक है, आइए। असलम भाई इस तरह खुश होकर ये सब दिखा रहे थे जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने किसी को दिखाकर खुश होता है। टिक्के के अलावा अब यहाँ कोरमा, बिरयानी और शामी कबाब भी आपको दीवाना करने के लिए तैनात किए गए हैं। 5-6 आइटम बनाई हैं हमने, शामी कबाब और बिरयानी, कोरमा। थोड़ा सा मेन कोर्स की तरफ भी आ गए हैं, जो सहज पके सो मीठा होए वो असलम भाई के ऊपर पूरा आता है। सबर से चले, कछुआ चाल चले और धीरे धीरे मंजिलें अचीव करते चले गए। अभी हम पहली मंजिल पे हैं, दूसरी मंजिल हमें भी अचीव करनी है जहाँ पे किचन है। तो असलम भाई किचन में लेके चलिए, बड़ी मेहरबानी। इस वक्त ये जो भी कुछ मुझे दिखा रहे थे वो देखने से ज्यादा इनके चेहरे पे खुशी काबिले दीद थी। आप मशहूर हुए हैं असलम बटर चिकन टिक्का जो है जी, वो तो आपको खुद भी बनाना आता है ना? भाई मेरा खुद का है यार। ये सवाल मैंने शरारतन पूछा था ताकि सबको पता लगे कि ये शुरुआत करने वाले हैं, ये बनाना जानते नहीं बल्कि इन्होंने पैदा कराया। अपने यहाँ लगाए गए नए सिस्टम के बारे में फखरिया बताते रहे और अपने रब का शुक्र अदा करते रहे। यहाँ तक की रसाई सबको नहीं होती है,
ये मुझे इनकी खास मेहरबानी है कि मुझे वो परतें खोल कर दिखा रहा है जो परतें इनकी हमेशा ढकी रहती हैं। जबान पर कोई चीज़ रखी जाती है और आपको अपना दीवाना बनाती है तो उसके पीछे कितनी लंबी मेहनत, लगन, शौक, डेडिकेशन और ये सारी चीज़ें मिलकर जब टेबल पर एक टिक्का आके रखा जाता है तो आप उसको कहते हैं कि असलम का बटर चिकन टिक्का असलम ही का। अरबाज असलम भाई के बेटे हैं और अपने वालिद के नक्शे कदम पे हैं। कबाब किस तरह सीख में लगाना चाहिए अपने मुलाजिम को हिदायत देते हुए जब मैंने इन्हें देखा तो ये मालूम हुआ कि अब ये पूरी तरह तैयार है। असलम बटर चिकन 2.0 के किचन में हूँ। मेरे पीछे वो बड़ी सी भट्टी है जहाँ इनका ये बटर चिकन पहले सिकता है के बाद उसको मक्खन, क्रीम और कुछ मसालों के साथ ब्लेंड करके, बोलते हुए मुश्किल हो रही है, ब्लेंड करके आपकी टेबल तक पहुंचाया जाता है। अरबाज मेरे साथ हैं, चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव की जाती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर पंच हो जाता है, ऊपर उसकी पर्ची निकल जाती है। अभी अरबाज मुझे सारा सिस्टम बता रहे थे, जो एक सिस्टम आता है रेस्टोरेंट्स के लिए वो यहाँ पर लागू कर दिया गया है। इधर कबाब बन रहे हैं, कबाब वाले को कबाब कैसे बनाने हैं अभी अरबाज की मैंने वो सारी खास इंस्ट्रक्शंस देगी और मैंने ये देखा कि अब हमारी अगली नस्ल को असलम चिकन अच्छा सा मिलता रहेगा, आज इस बात का यकीन हुआ। हाँ जी, आपको कैसा लगा खाना हमारा? बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ग्रेटर नोएडा से आए हैं पानी के लिए। मेरी जो कमाई है ना, इनको जो मजा आ गया यही समझ लो मेरी कमाई है और अल्लाह का करम है। हाँ, स्टाफ बढ़ा लिया, पेंडो की आइटम बढ़ा ली, सारी चीजें कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि भाई इनके यहाँ कोई बिल नहीं कटता, कुछ नहीं होता। यहाँ पर आइए, चेक कीजिए, आपको GST लगा हुआ बिल मिलेगा, ऐसा ही है सर? हाँ जी हाँ, लैपटॉप में आपका ऑर्डर लेगा और लैपटॉप से ऊपर पहुँचाएगा, वहाँ से पर्ची निकलेगी और बिल आएगा और वो खाना भी जो है पर्ची के हिसाब से दिया जाता है। यार ये मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ कि ये असलम चिकन 2.0 है, बिला वजह दोबारा नहीं आया हूँ यहाँ पर, बहुत देर हो गई है। इनको थकाते हुए अब थोड़ा सा चिकन मंगा लेते हैं और नए आइटम मंगा लेते हैं, जो भी नए आइटम होंगे भाई खाइए। असलम भाई का इतना टाइम बहुत था मेरे लिए। चुका है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये असलम चिकन 2.0 है, बहुत सी चीजें नई हैं लेकिन जायके सारे पुराने मिलेंगे। अरबाज असलम भाई के बेटे आज पहली बार हमारे चैनल पर, इनको आप देख रहे हैं, कम बोलते हैं, कम मुस्कुराते हैं लेकिन काम पूरा करते हैं। अरबाज थैंक यू सो मच यार, आपका शुक्रिया बहुत। अच्छा जी, यहाँ पर जो भी खाना मौजूद है मैं आपको बता दूं, ये तो है वही इनका पुराना, इनका सिग्नेचर आइटम असलम बटर चिकन। मैं शाम में यही कह रहा था कि जब बटर चिकन से पहले असलम जुड़ जाए तो उसकी प्रोफाइल चेंज हो जाती है। दूसरी जो नई चीज़ यहाँ पर शुरू की है इन्होंने नए आउटलेट में, वो है ये चिकन बिरयानी। अब चिकन बिरयानी असलम चिकन पर कैसी है वो खाकर बताएंगे, और है साथ में चिकन कोरमा, और तीसरी चीज़ है ये शामी कबाब। शामी कबाब है, कोरमा और बिरयानी है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे असलम भाई के इस बटर चिकन से। भाई बहुत से लोग ट्राई करते हैं और कर रहे हैं और सबको हक है करने का और सब अच्छा भी कर रहे हैं, उसके बावजूद इसकी जो एक इनफरादियत है, इसकी जो यूनिकनेस है ना अरबाज, उस तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। एक्चुअली ये जो इसमें जो मसाले डले हुए हैं जी, वो सब हमारे फादर के हाथ के बिल्कुल सीक्रेट हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले इनका ये सिग्नेचर आइटम इसी से शुरू करेंगे। इसके अंदर कई खासियतें होती हैं, पहली बात तो ये कि ये असलम बटर चिकन है, यही इसकी बहुत बड़ी खासियत है। दूसरी ये कि गला हुआ होता है, इसका गला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। पूरा का पूरा चिकन भट्टी पे ही गलता है, कोयलों पे ही गलता है और उसके बाद क्रीम, दही और मक्खन के साथ जब इसको मिला दिया जाता है तो ये ख़ुद भी खुश होता है, अपने खाने वाले को भी खुश करता है। बिस्मिल्लाह करते हैं असलम बटर चिकन से।
इसके अंदर इसके टेस्ट में एक यूनिकनेस है। बहुत जगह और भी बन रहा है, सब अच्छा बना रहे हैं, लेकिन जो इसकी एक इंफरादियत यूनिकनेस है ना, वो आज भी अलग है। वो जाहिर है कुछ हाथ की बात होती है, कुछ आपके इरादों की बात होती है, कुछ नियत की बात होती है, कुछ उस रेसिपी की बात होती है जो नस्ल या ट्रांसफर है। ज़्यादा कहने या सुनने की ज़रूरत है नहीं, इसको सब अच्छी तरह जानते हैं। जो आज चखने की चीज़ है ये शामी कबाब है। हाँ, जो हमने न्यू आइटम ऐड करी है। वाह, शामी कबाब आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये देखो इसका मीट का अलग ही ऐसा होगा रेशा। भाई बहुत क्रिस्पी है ऊपर से और बहुत अंदर क्रिस्पी है। एक दूसरे के अंदर जो रेशे ऐसे बुने हुए हैं जैसे ये हर शामी कबाब में नहीं मिलेगा। तो शामी कबाब है असलम बटर चिकन के यहाँ का है, असलम 2.0 पे है जामा मस्जिद में। जबरदस्त है अरबाज, ये जबरदस्त है। जो कबाब ने अपना अकेले इंट्रोडक्शन दिया है, इसके ये चीज देखिए फनकारी हो रही है। मैं कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि जो चिकन होता है आसानी से अपने अंदर मसाले घुसने नहीं देता, ये मसाले नहीं पकड़ता। लेकिन उसके बावजूद ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा ये आप लोग आकर खुद देख लेंगे, शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त है। बिरयानी के साथ खाएंगे एक निवाला और आते हैं बिरयानी। ये कमाल है, बिरयानी के अंदर खिले खिले से चावल हैं जैसे कि होने चाहिए। बिरयानी अपना असली पता हाथ से देती है, क्योंकि उसकी बहुत सी फिजिकल अपेरेंसेज जो है वो हाथ बताता है। सबसे पहली बात ये कि चिकन गला हुआ है, अभी एक निवाला। अगर पहले मेरे वीडियोस आपने देखे हैं तो आपको पता होगा बहुत से लोग मेरे से पहले ये बातें बोल रहे होंगे इस वीडियो को देखते वक्त कि बिरयानी की फिजिकल अपेरेंसेज दो तीन है। मेरे ख्याल में अरबाज भाई बिरयानी के चावल रेशम होने चाहिए। बिल्कुल, एक बार निवाले के अंदर आप उसको दबा लें तो बाहर नहीं आना चाहिए। बिरयानी का मतलब ऐसा होना चाहिए अगर हाथ में से ही फेंक दिए ना चावल, हाँ, तो बाजरे की तरह बिखर जाए। हाँ बात है यार, ये देखो कहते हैं बिरयानी ऐसे तो मतलब खिचड़ी बन जाएगी। हाँ, ये जो बात अभी अभी अरबाज ने बोली है इससे ये पता लगता है कि चीज़ें ट्रांसफर हो गई हैं, निवाला खाते हैं इसमें। ऊपर जब असलम भाई मुझे इसका पतीला खोल के दिखा रहे थे तो उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा था कि हमारी बिरयानी मुख्तलिफ मिलेगी आपको। भाई बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ पर काम हुआ है। दूसरा निवाला कबाब के साथ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कबाब है, बिरयानी है, असलम चिकन पर है, जामा मस्जिद पर है और असलम भाई के बेटे अरबाज के साथ है। किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के बाद क्या मंगाएं क्या नहीं मंगाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। यहाँ के लिए मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। आप अगर असलम बटर चिकन पर आएँ और आपको बटर चिकन खाने के बाद कुछ और खाने की ख्वाहिश हो, शामी कबाब और बिरयानी छोटी क्वांटिटी मंगा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद क्वांटिटी ये खुद अपनी बढ़वा लेंगे आपसे। बहुत ज़बरदस्त, हमने जो भी आइटम रखी है मतलब बहुत लिमिटेड रखी है, लिमिटेड है, खानों की लाइन नहीं लगा रखी है, लिमिटेड है लेकिन काम करके हैं। ये चिकन कौरमा बहुत खुश रंग और बहुत ही ज़्यादा मुरगन सा लग रहा है। इस चिकन कौरमे में ये जो मुर्गे की लेग पीस पड़ा हुआ है ये बता रहा है कि हम किस एज का चिकन खा रहे हैं, कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के चिकन ना पकाया जाए, बहुत छोटा। हम तो मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम एक किलो से कम, 100 ग्राम, एक किलो अच्छा, से कम, एक किलो से भी कम। तो साहब ये लेग पीस लेते हैं, अब बात है ये बड़ा तरनी वाला मुँह में जाने वाला है। वाह, ये गुलाबी गोश्त, ये गला हुआ चिकन, ये दानेदार कोरमा, ये इससे उठती हुई खुशबू, ये सारा वो कॉम्बिनेशन है कि जो आपको यहीं मिलेगा। इस निवाले को इतनी देर में मैंने बड़ा जालिम बना लिया है। ये निवाला बहुत जालिम है, इसका जुल्म ज़बान सहेगी। बिस्मिल्लाह। आज यहाँ आने से पहले मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया था, तो वहाँ उनकी वाइफ एक बात कह रही थी, कोरमा कोरमे की तरह का कोरमा बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। उन्होंने कई बड़े बड़े नाम बताए, कहने लगे हमें कहीं कोरमा कोरमे जैसा ही नहीं मिला। कोरमे का एक निवाला खाइएगा, आप खुद बताइएगा, जो कोरमा और जो बिरयानी दावतों में हमारे यहाँ की शादियों में बनती है उसका रेप्लिकेट है ये, वाकई में यूनिक है। ऐसा कोरमा सिर्फ आपको पुरानी दिल्ली की शादियों में ही मिलेगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, और बस क्या कर रहे हैं, बस और अच्छा करने में लगे ना। वाकई में यार कोरमे में जितनी खटास होनी चाहिए वो खटास है यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। मैं ना जो भी आइटम बनाते हैं लिमिटेड बनाते हैं, मतलब कि जल्दी ही खत्म हो जाए, यहाँ पर सब एक साथ बनाते हैं, कुक करके रखी हुई है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी इतनी कि वो खत्म हो जाए, उसके बाद लोग कहें भाई और नहीं है, खत्म हो गई, तो आप कहेंगे भाई कोरमा खत्म। तो इसलिए अगर आपको कोरमा खाना है तो थोड़ा जल्दी आइएगा, कोरमा बहुत ज़बरदस्त। हम इस खाने से निपट जाए, आखिर में आपसे बात करते हैं। बिरयानी और कोरमा खाने के बाद ख्वाहिश हुई कि इनका असल हुस्न
इनकी पतीलियों में देखा जाए। एक ही साथ बना के रखा हुआ है, एक ही साथ बनाते हैं हम, वो नहीं के मतलब कि ग्रेवी बनाती है उसमें ना चीजें बहुत खराब हो जाती है सारा। उर्मी की सूरत और सीरत दोनों ही कमाल थी, खुश रंग खाने ही खुश जायका होते हैं, ये आज दोबारा साबित हुआ। अच्छा मुगलई खाना बनता पतीली में ही एक साथ? हाँ एक साथ बनता है, उस तरह नहीं बन सकता कि कहीं ग्रेवी बन जाए कहीं नहीं। नहीं आपने सब देखा होगा ये 5-star होटलों में ज्यादातर चलता है। हाँ हाँ कि वो अलग मतलब मटन अलग बॉइल करके रख लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेवी अलग उसके साथ, ये सब उन होटलों में चलता है, यहाँ पे हमारे होटलों में नहीं चलता। यहाँ यही तरीके फॉलो होते हैं, ये तो जो ये खाना मांगता है, जो पुराने तरीके बात है यार, जबरदस्त है यार, इससे बच पाना मुश्किल है भाई, इसको हटा लीजिए आगे से। अच्छा ये भी आपने पतीला बना के रखा हुआ है, चीज़ें वही हैं, बर्तन भी तांबे का ही होगा जो इसको। अरे तुम तो जुल्म कर रहे हो यार, वाह क्या बात है, बिरयानी अपनी असली रंगत है। कम क्वांटिटी बनाई जाती है, इसको सर्व करके ख़त्म कर दिया जाता है, और आखिर में अगर आप आए तो आपको सुनने को मिलेगा कि बिरयानी खत्म। रिसेंटली कुछ प्लान्स हैं? हाँ अभी हमने मुंबई में खोलना है, बॉम्बे में खोल रहे हैं, मीरा रोड पर और अलीगढ़, तो हमारा काम चल रहा है वहाँ पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में बहुत जल्दी खोल देंगे। जो पुराना आउटलेट था आपका वो चल रहा है अभी? वो चल रहा है, वो भी फर्स्ट क्लास। लोगों को ये भी वहम है कि यहाँ कुछ जायके में चेंजेस हैं, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं है, ऐसा होता है कि कुछ सोच बन जाती है आदमी घर से बाहर निकलने के बाद, जायका सफाई के साथ मिले तो असलम चिकन बनता है। असलम चिकन 2.0 पे थे, अरबाज के साथ थे, यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याया को असलम चिकन 2.0 से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।